खेसारी लाल यादव, यूं कहें तो खेसारी लाल यादव जो अपनी ऑडियंस को तरह तरह के मनोरंजन कराते हैं, और ऐसे में उनसे उम्मीद रखा जाता है कि भैया कुछ बेटर 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 करते चले जाए। लेकिन अभी लाडला टू का टेलर आया, बहुत घटिया लगा, और अब प्रेम की पुजारन टेलर आ चुका है, और एक बार फिर से हमको कहना पड़ेगा कि भाई साहब ये टेलर नहीं बल्कि ये बवासीर बना दिया गया है। आखिरकार क्यों बनाया गया है, किस कारण से बनाया गया है, फिल्म का टेलर अच्छा क्यों नहीं है, कई सारे फैक्ट है, उन सभी फैक्टों पे हम बात करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, खेसारी लाल यादव का अगर एक्टिंग ग्राफ देखें तो भैया धीरे धीरे बढ़ते चली गया। कुछ कुछ फिल्मों में उनकी बहुत अच्छी एक्टिंग लगी, लेकिन कुछ फिल्मों में उनको महारद्दी एक्टिंग करते हुए देखा जा रहा है। प्रेम की पुजारन का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है, यूं कहें तो वनलाइन स्टोरी में है कि खेसारी लाल यादव किसी लड़की से प्यार मोहब्बत करते हैं, एक बच्चे का स्टोरी है, और फिर लड़की को भगा दिया जाता है। हालांकि ये पुराना स्टोरी इस तरीके के बॉलीवुड में आपने कई फिल्में देखना है, और भोजपुरी में भी कई सारी फिल्में बन चुकी है, लेकिन स्टोरी अच्छी है। कुल मिला के कहा जाए कि इसको अच्छे तरीके से और प्रेजेंट किया जा सकता था, टेलर को और काट दिया जाता बढ़िया से तो एक थोड़ा सा ग्राफ बन जाता। एक्शन दिखाया गया, एक्शन वही जो पुराने स्टाइल का जो एक्शन होता है, भूस भास वाला जो एक्शन होता है वही भरपूर डाला गया है। यूं कहें तो खेसारी लाल यादव के एक्शन पन में कुछ नया नहीं देखने को मिला। डायलॉग डिलीवरी बात करें तो डायलॉग डिलीवरी में कुछ एक ऐसा पंचेस नहीं है कि जो कि आपको इस फिल्म में पंच लाइन सुनने को मिले। रही बात यामिनी सिंह, और यामिनी सिंह जहां तक मुझे पता है कि खेसारी लाल यादव के साथ पहली फिल्म प्रेम की पुजारन ही साइन हुआ था, उसके बाद फिर वो लगातार कई सारी फिल्मों में वो नजर आए। तो पहली फिल्म प्रेम की पुजारन है, उसमें जो यामिनी सिंह का लुक है वो बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं किया गया। यूं कहे तो यामिनी सिंह की जो एक्टिंग है ना वो बिल्कुल नहीं दिखाया गया, ऐसा लग रहा है कि ओवर एक्टिंग किया जा रहा है, और खेसारी लाल यादव के सामने पूरी तरीके से फीकी नजर आ रही है। ना रोमांस में नजर आ रहा है सही तरीके से, ना डायलॉग डिलीवरी में सही तरीके से लग रहा, बिगड़ैल लड़की के कैरेक्टर में नजर आ रही है। जो यामिनी सिंह है वो पूरी तरीके से बिगड़ैल लड़की के रूप को दिखाया गया है, तो खेसारी लाल यादव के साथ जो बिगड़ैल वाला जो पॉइंट है वो सही तरीके से जस्टिफाई नहीं किया गया। रक्षा गुप्ता है, रक्षा गुप्ता को क्यों डाला गया फिल्म में मुझे यही नहीं पता चला। टेलर में कुछ खास वैसा कुछ दिखाया नहीं गया है, सिर्फ आने और भागने जाने का लेके पूरी तरीके से टेलर है। तो प्रेम की पुजारन मुझे लगता है कि इन सारे चीजों को देखते हुए, हाँ गाना अच्छा है, जो भोजपुरी ऑडियंस को जो गाना पसंद आता है वो गाने में भैया 10/10 है, गाने में एकदम बिल्कुल सही है। जो गाना जिस तरीके से होता है भोजपुरी, जो चटक मटक जो गाना होता है उसमें आप 10 में से 10 नंबर दे सकते हो, बल्कि 10 में से 9 नंबर भी आप दे सकते हो, लेकिन टेलर और एक्टिंग के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ये फिल्म बहुत अच्छी बनी होगी। फिलहाल टेलर कैप्टन वॉच पे रिलीज है, कैप्टन के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर रिलीज है, तो जाकर देखिए, और जिन लोगों ने देख लिया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको ये प्रेम की पुजारन खेसारी लाल यादव का टेलर कैसा लगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।